बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियात क्लास चौहारम, आज हम लेक्चर नंबर 4 में पेज नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जिसको हमने स्टार्ट किया था, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी का हिस्सा जो रह गया था वो पढ़ेंगे। मकरूज़ का मतलब है जिन पर कोई कर्ज़ हो, वो लोग जिन पर इतना कर्ज़ हो कि इसको अदा करने की ताकत ना रखते हों। मुजाहिदीन, वो लोग जो जिहाद में मशगूल हों, यानी जिहाद कर रहे हों। उसके बाद मुसाफिर हैं, वो शख्स जिसके पास सफ़र में इतनी रकम ना हो कि वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके। ये सारे वो लोग थे जिनको ज़कात दी जा सकती है। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। दस चौप पर टिक का निशान लगाएं। ज़कात के लफ्ज़ी मायनी हैं बढ़ना, फैलना, कम होना या रुकना। बढ़ना, ज़कात फ़र्ज हुई 8 हिजरी में, 9 हिजरी में, 10 हिजरी में या 11 हिजरी में। 8 हिजरी में ज़कात अदा करने वालों के लिए बशारत है कामयाबी की, जन्नत की, अजरे अजीम की, खुशी की, अजरे अजीम की। ज़कात अदा करने से इंसान के दिल में माल की मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती, कम हो जाती है। ज़रई पैदावार की ज़कात का नाम है फितराना, उश्र, खराज या सदका। तो ये होगा उश्र। खाली जगह पुर करें। ज़कात से मुआशरे के नादार और डैश लोगों की मदद होती है। मुस्तहिक, ज़कात के लफ्ज़ी मायनी डैश के हैं। बढ़ना, ज़रई पैदावार पर जो ज़कात दी जाती है इसे डैश कहते हैं, उश्र कहते हैं। ज़कात से इंसान का माल डैश हो जाता है, पाक और साफ। ज़कात में माल का डैश हिस्सा दिया जाता है 2.5%। 2.5 का मतलब है 2 पूरे और 1 आधा। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। इस्लाम के अरकान हैं 5। ज़कात फ़र्ज हुई 8 हिजरी में। ज़कात से इंसान का माल पाक और साफ हो जाता है। ज़रई पैदावार की ज़कात का नाम उशर है। 7.5 तोले सोना। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।